हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू जो हिंदू टेंपल को डिमोलिश किया गया है पाकिस्तान में। यह बताया जा रहा है कि 150 साल से भी पुराना मंदिर जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है जिसकी राजधानी कराची है, तो वहां पर आप देखोगे पिछले दो रातों से शनिवार और रविवार दो लगातार जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको तोड़ने की कोशिश करी गई, साथ साथ में नुकसान भी पहुंचाया गया है। आप सबसे पहले तो इस चीज को आपको समझना होगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज खिलाफ लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। जो वहां पे हिंदू हैं उनके खिलाफ फोर्सफुल कन्वर्जन के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको अबडक्ट करना, फिर इसके बाद में मैरिजेस जैसे इंस्टीट्यूशंस में उनको इन्वॉल्व करना और फिर उनके खिलाफ प्रताड़ित करना। तो ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखती जा रही थी। लेकिन इसी बीच आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी न्यूज निकल के आता है जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो भारत के मणिपुर जैसे इंसिडेंट को लेकर के तो कमेंट कर देते हैं। इवन जो भी वेस्टर्न नेशंस हैं, यूएसए वगैरह या यूएन एज अ बॉडी वगैरह, पाकिस्तान सेक्युलरिज्म नहीं है बात समझ में आता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी कंजर्व नहीं कर पाना, ये अपने आप में, क्योंकि हिंदू टेंपल आपको देखने को मिल जाएगा मारी माता टेंपल जो कराची के सोल्जर बाजार में है, इसको बुलडोजर के साथ तोड़ा गया और साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी। सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये है कि पुलिस के नैतिकता में इन चीज़ों को किया गया है शुक्रवार के देर रात में, यानी कि लोग जब सो रहे थे तब धीरे से इलेक्ट्रिसिटी को भी कट ऑफ किया गया और इसके बाद में आप देखोगे कहीं ना कहीं बुलडोजर्स को लाया गया, मंदिर को तोड़ा गया और इसके बाद में आप देखोगे अगले ही दिन जो है वो एक और मंदिर में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि थोड़ा डैमेज जो है वो मंदिर में किया गया है। नाउ बात ये आती है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो शर्मसार पाकिस्तान को करती हैं, हालांकि पाकिस्तान को कोई शर्म है नहीं। पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर के कभी भी उन्होंने कोई ऐसा पॉलिसी बनाया भी नहीं जिससे लेकर के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो महफूज रह सके। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया आपको भारत में देखने को मिल जाएगा। स्टिल भारत सेक्युलरिज्म को कितना ढंग से लेकर के चीजों को चलता है कि हमारे यहाँ सारे जो रिलीजियंस हैं वो बहुत ही पीसफुली चीजों को करते हैं, कहीं ना कहीं प्रोफेस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 25-28 जो भारत का संविधान है, उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक पार्ट रखा गया है, फंडामेंटल राइट, यानी कि पार्ट 3 के तहत अगर उसका उल्लंघन होता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इतना ज्यादा जो है वो चीजों को क्लियर रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और अगेन जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत जो है वो भी यूएन में और बाकी वेस्टर्न नेशंस को भी ये चीज बताता आया है। हालांकि अगर यूएस या यूरोपियन यूनियन कुछ बोल भी दे तो भी पाकिस्तान को जैसा कि हमने कहा कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं, यह पाकिस्तान का आप मैप देख सकते हो तो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है ये आप देखोगे खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे पेशावर उसकी राजधानी है, हर प्रोविंस का अपना कैपिटल है। यहाँ आपको पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वो देखने को मिल जाएगा, लाहौर वगैरह, इस्लामाबाद ये उनकी राजधानी आप देख रहे हैं। फिर आप देखेंगे सिंध, ये यही प्रोविंस है जो भारत के साथ लगता है, ठीक है, सिंध, और इसकी राजधानी ये कराची आप देख सकते हो, यहाँ पर ही ये चीज़ें जो हैं वो हुआ है ये घटना, ठीक है। इसी के साथ साथ ये बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस भी है और बलोच जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रेफरेंडम हो और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भारत के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरिंटी को वायलेट करके उन चीजों को बनाया जा रहा है, तो वहां पर आप देखोगे कि ये बलोच जो रीजन है यहीं से इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑल्दो इन्हीं के जमीन है, इन्हीं के मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं के जमीनों को इस्तेमाल करके, इन्हीं के आसपास के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके, और इन लोगों को जरा सा भी कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए कई बार ये लोग बॉम्ब वगैरह भी फेंकते हैं चाइनीज के ऊपर, साथ साथ में ये इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो ये आप पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। अब ये जो सिंध प्रोविंस है जो भारत से लगा हुआ है, यहाँ पे कराची जो है और इधर ही आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे आप अरेबियन सी अरब सागर देख सकते हैं भारत के साथ और बाकी ये अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, इस प्रकार से आप मैप देख रहे हो, इस तरफ ईरान के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पाकिस्तान का मैप को देखा है, साथ साथ आप देखोगे तो इस मंदिर को तोड़ करके ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मंदिर है रीजन पाकिस्तान की तरफ से ये दिया गया कि वो काफी पुराना हो चुका था तो कहीं ना कहीं वो अपने आप गिर सकता था, नुकसान हो सकता था, ओल्ड स्ट्रक्चर का रीजन देकर के इसको गिराने की बात करी गई। और इसके बाद आप देखोगे तो कमर्शियल प्लेस बनाने की बात चल रही थी जिसको लेकर के जो कराची के मेयर हैं उन्होंने बोला है कि नो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन प्लॉट ऑफ सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल विल बी अलाउड। तो इन्होंने, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल है
हम किसी भी ऐसे रिलीजन को नहीं कहते हैं कि मतलब उनके किसी भी मान सम्मान को ठेस पहुंचे, और ऐसा इंसिडेंट होना भी नहीं चाहिए। और इसके बाद आप देखोगे तो कराची के मेयर, जैसा कि आपको हम बताया कि नो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन प्लॉट ऑफ सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल विल बी अलाउड। तो कोई भी मतलब वो बोल रहे कि नहीं नहीं बिल्डिंग वगैरह तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो हिंदू टेम्पल का रीजन था, तो हम उसकी मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। अब पता नहीं वो रेस्पेक्ट कहाँ से निकल के आ रहा है, वो रेस्पेक्ट यही समझ सकते हैं। साथ साथ आप देखेंगे तो ये उनका बयान है कि हमने चेक किया, ऐसा कोई डिमोलिशन वगैरह मंदिर में नहीं देखने को मिला है, मंदिर स्टिल आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरवीन करता है, और जो हिंदू पंचायत है उन्होंने कहा है कि वो पुलिस का हेल्प करेंगे ताकि जो ट्रू फैक्ट्स हैं उसको निकाल के लाया जा सके। और हर कोई जो पोस्ट कर रहा है इसको लेकर के हम अपडेट करते रहेंगे। और PPP यानी कि ये जो मतलब पाकिस्तान को दर्शा रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो मतलब उनके कम्युनिटीज का सम्मान करते हैं, ये मंदिर का फोटो भी उन्होंने लगाया है कि मंदिर तो एज इट इज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, ये चीजें इतना ज्यादा वायरल हो रही हैं, ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही हैं, और इसके बावजूद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर के वहां के मिनिस्टर्स का ऐसा बयान है। साथ साथ आप देखोगे तो डॉन का भी ये कहना है कि मतलब रेसिडेंट्स की माने तो ऑपरेशन जो है वो रात में हुआ जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, शुक्रवार के देर रात, और फिर इस तरीके से एक बुलडोजर आता है और फिर वो ऐसे कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं चर्चा। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है पाकिस्तान का, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी खतरे में है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जो कश्मीर है और जो घोटकी है सिंध वाले रीजन में, जहाँ पे जो 30 मेंबर्स हैं हिंदू कम्युनिटी के, इंक्लूडिंग जो विमेन और चिल्ड्रेन हैं, उनको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स ने उनको मतलब बंद करके रखा है। तो किस प्रकार से उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये है कि उनके सर्वाइवल के लिए, आप प्रोफेस करना तो छोड़ दो रिलीजन को, उनके सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने बताया कि अनऑफिशियली अब रीजन ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा कि चलो टेंपल स्ट्रक्चर जो था वो ओल्ड हो गया था, वहीं आपने देखा कि दूसरी तरफ वहां के जो मेयर हैं वो ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो अगेन बातें तो बहुत सारी हैं, और आपको पता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे वहां पे भी क्या ही हाल है। चलिए, पाकिस्तान पबजी और पज बेसिकली ये आप देखोगे तो हिंदू टेंपल जो अटैक किया गया रॉकेट लॉन्चर का, तो यहां पे केस बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का, यानी कि ये वो महिला है जिन्होंने पाकिस्तान मतलब उनका शादी हुआ है उनके पति के साथ में, गुलाम हैदर के साथ में, और उनके चार बच्चे हैं। अब क्योंकि वो प्रेम प्रसंग हो गया उनका भारत के ही एक इंसान के साथ में, अब वो नेपाल के रास्ते किसी तरीके से वो भारत में एंटर करी, और फिर वो दोनों जो हैं वो अभी एक साथ रह रहे हैं। यहाँ तक कि इनके पति ने भी एक इमोशनल मैसेज किया कि आप वापस आ जाओ, इस प्रकार से तमाम बातें। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा आउटरेज है, पाकिस्तान के लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो बोले कि सीमा को अब हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ उनके बच्चों को तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी कारण बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने यह भी बात कहा कि 26/11 जैसा जो हमला भारत ने देखा है वो हम हिंदू कम्युनिटीज के ऊपर वापस से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि माइंडसेट जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो चुका है, और इस माइंडसेट के साथ में चीजें जो है वो बिगड़ती जा रही हैं। तो सीमा हैदर का केस भी एक कारण आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से चीजें जो है वो डिटोरिएट होती जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, देखिए हिंदू के आंकड़ों की तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा आपको नहीं मिलेगा कि इतना जो आपको ऑफिशियल डेटा बता दे। हालांकि जो वहाँ का नेशनल डेटाबेस रिपोर्ट है वो ये बताते हैं कि 22 लाख से ज़्यादा जो हिंदूज हैं वो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये आंकड़ा कम ज़्यादा अगेन जैसा कि हमने कहा कि होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ सिमट के रह गए हैं सिंध प्रोविंस में, क्योंकि वहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा हिंदूज देखने को मिलेंगे। बीच में पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि जो होली फेस्टिवल होता है उसको बैन करने की बात, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो वापस उन्होंने रिलीज़ किया उस चीज़ को कि कॉलेजेस वगैरह में जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स एंजॉय करते थे उस चीज़ को लेकर के भी, यानी कि अगेन ये जो क्वेश्चन मार्क बनता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, इस चीज को लेकर के पाकिस्तान जो है वो बार बार अपने ऐसे मंसूबों को दिखाता जा रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ी बात तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर साइंस मिनिस्टर, अब ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये आप देखिए कि चंद्रयान 3 जो भारत ने अपने आप में विश्व में इतिहास रच दिया है, और साथ साथ में 23 अगस्त वो दिन होगा भी जब आप देखेंगे दुनिया में ऐसा अजूबा करने वाला भारत जो है वो पहला कंट्री होगा। उसी बीच आप देखोगे पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर जो हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना दूर जाने का सिर्फ चांद को देखने के लिए। तो ये बताइए, अब ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे इसरो का खुद का ये सैटेलाइट्स यूज करते हैं, इनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है, और ये सिर्फ कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे मोहम्मद और लश्करे तैयबा के अलावा और कुछ बना नहीं पाते हैं, उसके बावजूद आप देखोगे कि मतलब ये कमेंट करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो किसी के तरक्की से स्पेशली ऐसे कमेंट्स दिखाते हैं कि भारत अपने आप में रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है स्पेस सेक्टर में,
और साथ साथ में इससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं वो भी हमने शेयर किया है। ऐसे इंसिडेंट्स होने नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भारत में आप देखोगे रोहिंग्यास जो हैं, जो म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से भारत में 40,000 रोहिंग्यास बताया जा रहा है कि भारत में भी हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का लाया गया जो कि पास नहीं हो पाया काफी ज्यादा प्रोटेस्ट की वजह से। तो आप देखोगे उस एक्ट के तहत भी ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान है यहाँ पे जो सिख्स कम्युनिटीज हैं वहाँ की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदूज बुद्धिस्ट सिख क्रिश्चियन जैन और पारसीज तो इनको नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता दे दिया जाए सिटीजनशिप दे दिया जाए जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं और वो 5 साल से भारत में रह रहे हैं। जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत में प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुआ कि आबादी बढ़ जाएगा अगेन जो मतलब माइग्रेंट्स का जो क्राइसिस है रेफ्यूजी क्राइसिस है वो कभी खत्म नहीं होगा। बट क्या ये समय आ चुका है कि हमको ये चीज समझना होगा कि भारत को क्योंकि हमने कोई भी यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है लेकिन क्या हमको करना चाहिए क्या हमको रेफ्यूजी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए चेंजेस लाने चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है इस प्रकार के अत्याचार के इंसिडेंट से पहली बार नहीं देखने को मिल रहे हैं। वो जब जब ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं तब तब सिर्फ रिलेशंस जो हैं वो वर्स्ट होते रहते हैं ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जिस चीज़ को दर्शाते रहते हैं। हालांकि हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द चीज़ों को बेहतर किया जा सके और पाकिस्तान को भी ये समझ आ सके कि रिलीजन से ऊंचा भी बहुत कुछ है और डेवलपमेंट पर वो काम कर सके और एक साथ साउथ एशिया के विकास में वो लग सके। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।